दोस्तों, भारत के एयर मार्शल वीआर चौधरी के बयान के बाद भारत चीन और पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए तैयार हो गया है, क्योंकि इस बार भारत चीन और पाकिस्तान से हमले में कोई भी कसर नहीं छोड़ना चाहता। आपको बता दें कि एयर मार्शल वीआर चौधरी की तरफ से भारत के लिए बेहद ही गंभीर और सतर्क रहने वाली खबर सामने आई है, जिसमें भारत को दोतरफा हमले की आशंका जताई जा रही है। इस बयान के बाद भारतीय सेना ने युद्ध के लिए अपनी कमर कस ली है, साथ ही भीषण और आक्रामक हथियारों के साथ जीत की तैयारी में जुट गई है। आप रेफरेंस के तौर पर स्क्रीन पर आर्टिकल भी देख सकते हैं। दरअसल प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया यानी पीटीआई के साथ एक इंटरव्यू में वीआर चौधरी ने बताया कि भारत के दोनों ही दुश्मन देश यानी चीन और पाकिस्तान भारत पर हमले की पूरी तैयारी में जुट चुके हैं। यह आशंका उन्होंने भारत के पश्चिमी और उत्तरी बॉर्डर पर फैली अशांति और अस्थिरता को देखते हुए दिया है, जिसके बाद से भारतीय सेना पूरी तरह से चौकन्ना हो गई है। एयर मार्शल वीआर चौधरी ने पीटीआई से कहा है कि भारत को पश्चिमी और उत्तरी बॉर्डर पर फैली अशांति और स्थिरता को टू फ्रंट कंटेंजेंसी यानी दो तरफा हमले की स्थिति के तौर पर देखना चाहिए और इसी के मुताबिक अपनी तैयारियां पूरी रखनी चाहिए। उन्होंने भारत पर मंडरा रहे खतरे को देखते हुए कहा है कि भारत पर हर तरफ से हमला किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि मिलिट्री स्टैंड ऑफ से लेकर खुफिया जानकारी के गलत इस्तेमाल और पावर सोर्सेज के हैक किए जाने तक कुछ भी हो सकता है। ऐसे में भारत के सुरक्षा सिस्टम और क्षमताओं को इन चुनौतियों के लिए तैयार रहना चाहिए। एयर मार्शल वीआर चौधरी के इस बयान से अंदाजा लगाया जा सकता है कि भारत चीन और पाकिस्तान के बीच युद्ध का खतरा कितना बढ़ गया है, क्योंकि इतिहास में पहली बार है जब किसी मौजूदा सेना प्रमुख द्वारा अपने देश के लिए दो तरफा युद्ध की आशंका जताई जा रही है। गौरतलब है कि भारत ने जिस प्रकार से अपनी सैन्य ताकत को एक नए मुकाम पर पहुंचाया है, ऐसे में चीन या पाकिस्तान जैसे देश भारत का बाल भी बांका नहीं कर सकते, क्योंकि अगर भारत पर हवाई हमला होता है तो भारतीय वायुसेना के फाइटर जेट्स भी दुश्मन देश की धज्जियां उड़ाने में बिल्कुल भी पीछे नहीं हटेंगे। और बात अगर समुद्री हमले की करें तो भारत समुद्र में ऐसे हथियारों से हमला करने की योजना बना रहा है, जिन हथियारों का प्रयोग अमेरिका के बाद आज तक किसी भी देश में नहीं किया गया है। बता दें कि खतरे की आशंका के बाद सुखोई मिराज राफेल जैसे घातक लड़ाकू विमानों को खतरनाक मिसाइलों के साथ तैयार रखा गया है, ताकि भारत पर खतरे की घंटी बजते ही ये फाइटर एयरक्राफ्ट युद्ध के मैदान में उतर सके और दुश्मन को बुरी तरह से चकनाचूर कर सके। हालांकि यहां पर हम इंडियन नेवी को भी नजरअंदाज नहीं कर सकते, क्योंकि भारतीय नौसेना भी चीन पर जानलेवा और भीषण हमला करने के लिए नए नए हथियारों को समुद्र में तैनात कर रही है। यह वह हथियार है जो बिना आवाज के दुश्मन को चकमा देकर उन्हें नष्ट करने में माहिर होते हैं। ये समुद्री हथियार एक बार किसी देश को अपना टारगेट बना ले तो उन्हें तबाह करके ही छोड़ते हैं। दरअसल भारतीय नौसेना समुद्र के अंदर एक ऐसी पनडुब्बी तैनात कर रही है जिन पर कई प्रकार के सीक्रेट हथियार लगाए गए हैं। इन पनडुब्बियों से निकलने वाले खतरनाक ड्रोन दुश्मन मुल्क के जहाज को और पनडुब्बियों को आसानी से नष्ट कर सकते हैं। इन मिसाइलों को छोटा पैकेट बड़ा धमाका भी कहा जा सकता है, क्योंकि बिना आवाज किए और बिना दुश्मन को पता लगे जानलेवा पलटवार करने में ये मिसाइल एक्सपर्ट होते हैं, यानी कि भारतीय नौसेना के दुश्मन देश के जल समाधि के लिए पूरी तरकीब बना ली है। गौरतलब है कि चीन अगर समुद्र के अंदर भारत पर कोई भी हमला करता है तो भारतीय नौसेना उन्हें धराशायी करने में कोई भी कसर नहीं छोड़ेगी। एक तरफ जहां चीन और पाकिस्तान भारत पर दो तरफा युद्ध करने की तैयारी कर रहे हैं, वहीं चीन भारत के वैश्विक कूटनीति में बैठते मजबूती के बारे में भी अच्छी तरह से वाकिफ है। चीन को डर है कि अगर भारत पर हमला हुआ तो अमेरिका और रूस समेत कई अन्य देश भारत के साथ देने के लिए तुरंत ही मौजूद हो जाएंगे। क्वाड मीटिंग के बाद चीन का इन देशों के लिए डर लाजमी है। अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान जैसे देश भारत का किसी भी मुश्किल वक्त में साथ बिल्कुल भी नहीं छोड़ सकते। चलिए समझते हैं कि आने वाले एक साल में क्यों युद्ध की आशंका वीआर चौधरी जी की तरफ से जताई गई है। दरअसल इसका कारण है भारत की कूटनीतिक ताकत। एक तरफ जहां पाकिस्तान में स्थिति काफी ज्यादा खराब है, आए दिन कुछ न कुछ होता रहता है, साथ ही कश्मीर में G20 की कुछ मीटिंग भी होगी जिसका अनाउंसमेंट भारत ने अभी हाल ही में किया है, जिस वजह से कश्मीर में आतंकवादी घटना करने के फिराक में पाकिस्तान रहेगा। वहीं दूसरी तरफ चीन की बात करें तो उसके खिलाफ भारत ने कई संगठन बना लिए हैं। भारत उसकी इकोनॉमी पर लगातार चोट कर रहा है, वहीं पर भारतीय सेना पीएलए सेना से मुकाबला करने के लिए तैयार है। आज दुनिया चीन के सामने एकजुट हो चुकी है और यही वजह है कि यह आशंका जताई जा रही है, लेकिन भारतीय सेना मुस्तैदी से हमारी रक्षा के लिए सरहद पर खड़ी है। भारतीय जवानों के लिए कमेंट बॉक्स में एक जय हिंद जरूर लिखेगा। साथ ही अगर आपको इन्फॉर्मेशन और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।